व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। जुबिन नौटियाल के चैनल से आप लोग के लिए गाने की वीडियो लाए हैं जिसका टाइटल है तुझे कितना चाहे और हम। और ये उस लोकेशन पे शूट हुआ है जहाँ पे सनसेट हो रहा है आसाम में, और बहुत प्यारी लोकेशन होने वाली। मैंने हल्का सा आ करके देखा था तो बस लोकेशन देखी थी मैंने। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ऐसे ही अमेजिंग कवर सॉन्ग्स आप उनके चैनल पर जरूर चेकआउट करना, और आप और गाने भी सजेस्ट कर सकते हो जिसमें हमें रिएक्ट करना चाहिए। और चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक। एक बार जुबिन नौटियाल ओपी जरूर हो जाए कमेंट में। करें शुरू, 1 2 3 गो। लोकेशन देख तू, सनसेट हो रहा है। दिल का दरिया, अरे ये लाइन राहों में जो तू मिल गया, मुश्किल से मैं संभला था, टूट गया फिर एक दफा, बात बिगड़ी टूटे तेरे बिन न लेंगे कभी दम, तुझे कितना चाहे और हम। बहुत ही प्यारा है ना, बहुत प्यारा। तेरे साथ ऐसे है, आंख बंद करके ईयरफोन लगा के ये सुनते रहो, है ना। प्यारी जगह है ना, इस तरफ माइंड एकदम रिलैक्स, उस तरफ सनसेट, और म्यूजिक हल्का हल्का, सिर्फ गिटार की आवाज है और उनकी। बहुत ही प्यारा गाना, वक्त ने है किया हम पे कैसा सितम, तुम भी बेजार हो बर्बाद। अलग ही लेवल है गाने यार, किस रास्ते मुझको ले जाएंगे, दिशा ये मेरे डगमगाते कदम, साथ देती परछाइयां और मेहरबान हो रहे हम। क्या आवाज, तेरे बिन न लेंगे कभी दम, तुझे कितना चाहे और हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म। मेरा मन कर रहा है आराम से कहीं ऐसी जगह जाके, है ना, कितना रिलैक्स लग रहा है एकदम। ये मूवी में बहुत मस्त लगती है वन लाइन, ये जो है ना जैसे अभी चल रही है म्यूजिक। अलग ही, अलग ही लेवल की आवाज है इनकी। और अगर देखा जाए तो ये जो गाना है, गाने में बिल्कुल ऐसी आवाज लगती है, मतलब इतना कोई वो नहीं लगता कि बहुत बस में म्यूजिक, मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत सारी चीजें होती है, इसमें कोई वैसा वो नहीं है, सिर्फ एक गिटार की आवाज थी। और आवाज इनकी इतनी अमेजिंग है ना, सुंदर जिसे कहते हैं,
लोकेशन और इनकी हाँ. आवाज और गिटार, मतलब ये पैकेज जो था ना इस गाने हाँ. में बहुत ऐसा लग रहा था वहीं पर है, मतलब साइड में लेक है, इतना प्यारा सनसेट है, बालकनी में आराम से गिटार के साथ, इतना प्यारा गाना, इतनी प्यारी आवाज, प्यारी आवाज. और वो होता है ना कि जहाँ पर जो लिरिक्स होते हैं, मतलब दिल का दरिया बह रही है, तो वहां पर जिस तरह जो ठहराव लेके और फिर जिस तरीके से चेंज करते हैं आवाज को ना, बहुत ही माइंड ब्लोइंग होती है. और ये मूवी कहीं ना कहीं आज भी बहुत सारे लोगों को ऐसे लगती है, मतलब जब भी टीवी पे आया बंदा कहता है यार देखनी है. तो कबीर सिंह और बहुत गजब एक्टिंग की थी यार वो शाहिद कपूर ने. और एक चीज कही जाए कि कोई भी मूवी होती है उसके गाने अगर जानदार होते हैं ना तो मूवी बहुत शानदार हो जाती है. अगर गाने जानदार होते तो मूवी शानदार. क्या बात है भाई साहब, क्या राइमिंग हो रही है भैया जी. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. और इनके हर एक गाने में बड़ा ही मजा आता है सुनने में और दिल को छू लेते हैं. ये वाली वो कहते हैं ना क्या बोलते, जो रोमांटिक गाने गाते हैं अलग ही लेवल होता है इनका. और इनके लाइव परफॉर्मेंस देखने में बड़ा मजा आता है. एक इन्होंने अभी उस पर सोनी पे किया था, सोनी टीवी पे किया था लाइव परफॉर्मेंस, उस पर भी हम रिएक्ट करेंगे जल्दी. और मस्त नजरों से वो तो गाने बहुत ही उस पर लाइव परफॉर्मेंस है, नजरों से अल्लाह बचाए, बहुत ही प्यारा है. मस्त नजरों से दिए वो अलग है. कौन सा वो, ये क्या वो? हाँ हाँ वही तो है. तो उस पर भी रेक्ट करेंगे यार. मेरा तो मन करता बोट खड़ी थी ना, बोट लेके भग जाऊं. देखी थी बोट पीछे लेक पे खड़ी थी. हाँ. नहीं लोकेशन जो थी वो ऐसा मन करता है कि आप चले जाओ पूरे दिन गाने सुन सकते हो उस लोकेशन पे बैठ के सब कुछ मतलब भूल के. वो आराम से मैं बताती हूँ उसका मतलब लोकेशन है मस्त कोजी सी बालकनी है ना, कॉफी लेके बैठो वहाँ, व्यू लो और गाने सुनते रहो वाला ना, प्यारा सनराइज और सनसेट ऐसी जगह पे देखने में अलग बहुत मजा आता है सच में. और जुबिन सर की आवाज सुन के तो वैसे ही मजा आ गया. आई एम श्योर आप लोगों को भी काफी पसंद आया होगा ये वाली वीडियो. तो कमेंट एक बार जुबिन नोटियाल सर ओपी जरूर हो जाए. और आप और वीडियो सजेस्ट करना ना भूलें जिन पे आप चाहते रिएक्ट करें. मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर.